फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये एचेवेरिया एगावाइडस एवनी है। आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। और ये प्लांट मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, तब ये बहुत छोटा था, लेकिन अब ये इनके ग्रोथ देख सकते हैं किस हिसाब से इसका ग्रोथ हुआ है और ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट लग रहा है। असल में ये जो एगावाइडस एवनी है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट होते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं ये थोड़ी फ्लैशी और हार्ड होते हैं दूसरे सकुलेंट्स के या एचेवेरिया के हिसाब से। इनके जो लीव्स होते हैं ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं और इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो आज इसके मैं कुछ इसका सीक्रेट बताऊँगी जो आप लोगों को इसको ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को मेरी शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि इस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप लोगों को किस हिसाब से इसका केयर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से फ्रेंड्स आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप नीचे मेरी ये प्लांट का देख रहे हैं, नीचे कोई भी ड्राई लीव्स वगैरह नहीं देख रहा होगा आपको, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एगावाइडस एवनी होती हैं इनके जो नीचे का जो लीव्स होती हैं इसके ग्रोथ के साथ साथ वो ड्राई हो जाते हैं और आपको उन सारे लीव्स को साफ करके इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका प्लांट्स में मिलीबग या इंसेक्ट्स से आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से जब भी आपका ये प्लांट नीचे का कोई लीव्स ड्राई हो जाए तो उसको आप अच्छे से निकाल दीजिए, नहीं तो आपका प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स और एक बात ये है कि जब भी आप इसको पानी दे तो इसका जो ये रोजेड है इसके ऊपर आपको पानी नहीं देना, आपको साइड से पानी देना है। तो फ्रेंड्स, साइड से जब आप पानी देंगे तो आपको ये केयर करना पड़ेगा कि इसके लीव्स के अंदर पानी ना जाए, नहीं तो आपका ये जो प्लांट्स है इसके रोजेट में पानी जमा होगा तो आपकी ये जो लीव्स है ये प्लांट का ये लीव्स ख़राब हो सकते हैं, रोटेन हो सकते हैं और इसमें इंसेक्ट्स वगैरह लग सकता है, फंगल लग सकता है। इसी वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें पानी दिया है, आप देख सकते हैं अंदर इसमें आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस हिसाब से आपको पानी नहीं देना है। ये मैं अभी इसको ड्राई कर दूँगी कॉटन बार से, ये सारे मैं साफ़ कर दूँगी ताकि मेरी ये प्लांट ख़राब ना हो। तो और ये जो विंटर सीज़न है इसमें फ्रेंड्स आप इस प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए ताकि इसमें ऐसे कलर ब्यूटीफुल कलर आ सके। और लेकिन जब ये समर सीज़न आएगा, जब हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा हीट होते हैं जिस एरिया में, उनको ये प्लांट को शेडी एरिया में रखना होगा। अगर डायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे तो ये प्लांट फ्रेंड्स ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से आप विंटर में तो इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, लेकिन जब समर सीज़न आते हैं तब इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स, ये प्लांट्स बहुत ही देखने में सुंदर है और इसका केयर भी बहुत इजी है और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। फ्रेंड्स, आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं और इनको ज़्यादा फर्टिलाइज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स फ्रेंड्स थोड़ी सी स्लो ग्रोइंग होती है, ज़्यादा फास्ट इनका ग्रोइंग नहीं होती है और ये ना ज़्यादा जल्दी से बड़ा होते हैं। तो इसी वजह से आप इसको इस हिसाब से केयर करेंगे तो आपका प्लांट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और इनका जो ग्रोथ रहेगा वो बहुत ही आसानी से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू, बाय।